सब पर मास्क पहनने की पाबंदी हो और हद्दल इम्कान जिस्मानी फासला बरकरार रखा जाए। मकामी हुकूमतें 8 ता 15 ज़ुलहज्जा जरासीम कुछ दवाओं के स्प्रे का मुस्तकिल इंतज़ाम करें और कुर्बानी के अय्याम के फौरन बाद चूने के छिड़काव का इंतज़ाम किया जाए। इस पॉइंट को हमारे मीडिया के दोस्त हाईलाइट करें कि सूबाई वज़रा जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह और जनाब सईद गनी ने हमारी इस तजवीज़ से इत्तेफाक़ किया है कि कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए गुज़श्ता साल का इजाज़तनामा इस साल भी कानूनी मुतसव्विर होगा और नए इजाज़तनामा लेने की पाबंदी नहीं होगी और उसकी तजदीद की ज़रूरत भी नहीं होगी। अदराए करम आप अदरात ये हाईलाइट करें ताकि पूरे सूबा सिंध में और पाकिस्तान में ये मैसेज पहुँचे और जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो मदारस व मसाजिद और इदारों को तंग न करें। अलबत्ता जो हजरात नए इजाज़तनामा लेना चाहें वो कानून के मुताबिक इजाज़त लें। ममनुआ तंजीमों के नाम भी हकूमत हर साल मुश्तहर करती है, इस साल भी कर सकती है, लिहाजा इस हवाले से भी हमारी सूबाई गवर्नमेंट के साथ तमाम मामलात तय हो चुके हैं। मीडिया से हमारी अपील है कि इन बातों को हाईलाइट करें और ये वो SOP है, ये एहतियाती तदाबीर हैं कि जो वफाकी हुकूमत को वफाकी सतह पर पूरे मुल्क के लिए नाफिज करने चाहिए। हम मुकम्मल ताउन करेंगे और अपने सोशल मीडिया पर भी इसकी तशहीर करेंगे ताकि सब लोगों को इसके बारे में मालूम हो जाए। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दें और अगर लोग ये चाहते हैं कि उनकी कुर्बानियाँ शरीयत की शरायत के मुताबिक की जाएं तो मसाजिद को तरजीह दें, मदारिस को तरजीह दें, दीनी फलाही तंजीमों को तरजीह दें ताकि शरीयत की शरायत के मुताबिक कुर्बानी आपकी अदा हो सके। क्योंकि जो शरीयत दीनी तंजीमें हैं चाहे फलाही हैं या समाजी हैं कम से कम वो इस बात का को गारंटी करती हैं कि शरीयत के अहकाम की मुकम्मल पासदारी की जाए। जब मैं ये कहता हूँ कि इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दी जाए, मदारिस को तरजीह दी जाए, तो ये मत समझें कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हमारे यहाँ गुज़श्ता सालों में इज्तिमाई कुर्बानी होती थी 325 गाय तक, लेकिन इस साल चूँकि हमारे तलबा अभी मौजूद नहीं हैं और तकरीबन 125 तलबा खिदमात पर मसरूफ होते थे इसलिए हम अपने आ नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद मैं सबको कहता हूँ कि दीनी मदारिस को, दीनी जामियात को, मदारिस को, दीनी फलाही तंजीमों को तरजीह दें और इसके अलावा कोई और किसी समाजी फलाही रिफाही तंजीम को तरजीह देना चाहता है तो ये हर कुर्बानी करने वाले का अपना हक है। जबर नहीं होना चाहिए जैसे पहले कभी कराची में होता था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि कराची शहर आज जबर से आज़ाद है, लोग इबादत करने में आज़ाद हैं और अपने माली इबादात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दीन के दीनी मकासद के लिए देने में आज़ाद हैं। मैं ये भी कहूँगा कि लोग अज़राए करम खुद जाएं अपनी खाल कुर्बानी की खाल को लेकर और अहल और मुस्तहिद इदारों तक इसको पहुँचाएँ। इसी तरह से गुज़श्ता चंद सालों से पता नहीं कोई इज्तिमाई साजिश है कि कुर्बानी की खालों की कीमतें गैर मामूली तौर पर
इंतहाई कम कर दी गई हैं, यहाँ तक के कुर्बानी के खालों के जमा करने पर जो मसारे पाते हैं बमुश्किल ये उसको मीट करते हैं। लिहाजा जो हुकूमत के ज़िम्मेदार इदारे हैं वो ये हमें खोज लगा कर बताएं कि कॉकटेल तो नहीं बन गया इत्तेफाक राय करके कि भाई लोग मजबूर हैं देने के लिए, ये पेरिशेबल आइटम है तो जो मर्जी है कीमत लगाओ, उनको भी जुल्म नहीं करना चाहिए, दयानतदारी से मार्केट वैल्यू के मुताबिक देना चाहिए। अब आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब भी ऑनलाइन आपसे गुफ्तगू करेंगे, फिर हमारे मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब गुफ्तगू करेंगे। ये बताएं कि सिंध हुकूमत तो वादे ऐलान कर चुकी है कि मंडियां नहीं लगेगी क्योंकि कोरोना की वबा जो है वो फैलने का बड़ा खतरा है, तो आप लोगों से किन बातों पर इस अलावा क्या मंडियों पर भी इत्तेफाक हुआ? ये इस सब पर इत्तेफाक हो गया है और हुकूमत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मंडियां लगेंगी, सिर्फ यह है कि शहर के अंदर मंडियां न लगें बल्कि शहर के बाहर लगें ताकि उसके बद असरात जो हैं उससे हमारी शहरी आबादियां महफूज रहें और कोई वायरस फैलने का ख़तरा ना हो। अब कोई चीज़ इख्तलाफी नहीं है गवर्नमेंट के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है वो सब मुझे इतनी कंप्लेंट्स आई हैं, इनके जो लोग हैं वहाँ पे स्कूलों के वो यार एक सेकंड खामोश रह सकते हैं, पीछे बात करनी है, गेट से बाहर चल जाओ, उधर आप देख लें जरा प्लीज। सो मैं आपको ये बता दूं कि कंप्लेंट्स की बच्चों ने और जाके उन्होंने बताया स्कूल वालों को और फिर भी उनको बिल्कुल दरगुजर कर दिया गया, उनकी कंप्लेंट्स को उन्होंने बिल्कुल जीरो बना दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं ये नहीं हो रहा, अभी नहीं, बाद में स्कूल का नाम खराब होगा, ये होगा वो होगा, उन बेचारी बच्चियों को सीरियसली लिया ही नहीं गया। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये सिर्फ बच्चियों के स्कूल में नहीं हो रहा, हमें लड़कों की कंप्लेंट्स आ रही, ये बॉयज स्कूल्स के अंदर भी हो रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि सामने आया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड मी बीइंग एज द मिनिस्टर, इसको पूरी तरह डील किया जाएगा जहां जहां पे भी, अगर कहीं ये हो रहा है हमें कंप्लेंट आती है, उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, उस स्कूल को बंद करना और उस पर प्रॉपर एक्शन लेना, हम वो सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको वो गारंटी दे रहा हूं कि मेरे पास आप एविडेंस लेके आए कि यहां पे ये हो रहा है और वहां पे एक्शन नहीं लिया जा रहा, आपको मैं सारा एक्शन लेके दिखाऊंगा स्कूल के खिलाफ। सो इसलिए एक और जो मेरे सामने पिछले कुछ दिनों से पॉइंट आ रहा है डिफरेंट लोगों की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स टीचर्स को फायर कर रहे हैं, उनको नौकरियों से भेज रहे हैं, उन टीचर्स के बच्चे भी उन्हीं स्कूलों के अंदर। और आपको मैं ये बताऊं कि कर रहे क्या हैं, कहते हैं कि जब तक आप टीचर थे तब तक हम आपके बच्चों की फीस जो है वो जो डिस्काउंट देते हैं, टीचर पढ़ा रहा हो और बच्चे उनके बच्चे को जो डिस्काउंट मिलता है तब तक है, लेकिन जब उलमा की तरफ से और तमाम मकातिब फिक्र की तरफ से जब SOPs तैयार हुई तो उन SOPs को सदर साहब ने चंद इजाफात के साथ पूरे मुल्क के लिए जारी किया, और आपके इल्म में होना चाहिए कि उन मसाजिद की SOPs का ये असर था कि पूरी दुनिया की मसाजिद ने पाकिस्तान के उलमा की मसाजिद और रमज़ान के हवाले से SOPs की तायीद की और उस पर अमल किया, यहाँ तक उसी फार्मूले पर हरमैन, यहाँ तक कि हरमैन में मक्का मुकर्रमा में और मस्जिद नबवी के अंदर भी उसी पर अमल हुआ। उसके बाद तालीमी इदारों की बात थी, वफाकी वजीर तालीम को और वजारत तालीम को बहुत वाज़ेह तौर पर SOPs तालीम के हवाले से तैयार करनी चाहिए थी। हम मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के अफराद ने ब्रिटिश
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की SOPs को सामने रखा, यूनिसेफ की जो गाइडलाइन थी, दुनिया भर के तालीमी इदारों के लिए उनको अपने सामने रखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उनकी तरफ से जो हिदायत थी उनको अपने सामने रखा, और लाहौर में जब वजीर तालीम वफाकी वजीर तालीम के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमने उन्हें पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारों के लिए SOPs पेश की हैं। उसके बाद वफाकी वजारत तालीम ने हमसे दोबारा SOPs मांगी हैं, हमने वो भी उनको दोबारा भेज दी हैं, और आज जबकि कुर्बानी का अमल सामने आ रहा है और हुकूमत की सूरत हाल किसी तौर पर वाज़े नहीं है, एक तरफ वफाकी हुकूमत है, इमरान खान अपनी तमाम तकरीरों में ये कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन का के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ये भी कहा जा रहा है कि आप लॉकडाउन के साथ कोरोना वायरस के साथ जीना सीखिए, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि कौम की रहनुमाई के लिए जिस तरह की SOPs हमारे हालात के साथ उनका तकाजा होना चाहिए कि वो काबिल अमल हों, वो चीज़ नहीं है। महसूस ऐसा हो रहा है जैसे इस सिलसिले के अंदर जिस जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए वो नहीं है। मैं आपके सामने इस बात को आज कहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि मसाजिद के लिए SOPs बनी, उलमा ने बनाई, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, तालीमी इदारों के लिए दीनी मदारिस के लिए SOPs बनी, उलमा ने बनाई, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, और आज ये SOPs आपके सामने हैं जो कुर्बानी के हवाले से बनाई गई हैं। सिंध गवर्नमेंट जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब इसमें हमारे साथ मुत्तफिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने बिल इत्तेफाक बनाई। अब हम आगे चल रहे हैं और वो ये है कि कुर्बानी इंशाअल्लाह होगी, एहतियात के साथ होगी। याद रखिए जब हम किसी चीज़ के करने की बात करते हैं, चाहे वो मसाजिद को खोलने की बात हो, चाहे वो तालीम की बात हो, चाहे वो कुर्बानी की बात हो, हम उसके साथ साथ एहतियात को और SOPs को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। ये हमारा मुल्क है, इसके अवाम हमारे अवाम हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरे बेटे हैं, मैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कोई ऐसा मफाद हमारे सामने नहीं है जिसमें बहैसियत कौम पाकिस्तान के अवाम को नज़रअंदाज कर कोई SOPs हम बना रहे हों, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे आप इजाज़त दीजिए, मेरा सवाल है, मसाजिद के लिए हमने SOPs बनाई, क्या किसी गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, कोई एक मास्क हमें फराहम किया गया मसाजिद के लिए, कोई एक सैनिटाइज़र की छोटी सी बोतल हमें फराहम की गई? कहाँ हैं हुकूमती इदारे? आज अगर हम SOPs की बात करते हैं, हुकूमत के साथ खड़े होकर बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इन SOPs पर अमल कराने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको वो फराहम करे। मसाजिद के अंदर सैनिटाइज़र रखवाए जाएं, मसाजिद के अंदर मास्क रखवाए जाएं, अवाम पर हर चीज़ का बोझ डालना ये मुनासिब नहीं है, जबकि हुकूमत एक बड़ी तादाद के अंदर बड़े अमाउंट की शक्ल में टैक्स कलेक्ट कर रही है। ये ज़िंदगी और मौत का मसला है, जो लोग आज वेंटिलेटर पर हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी मौत का मसला है, ज़िंदगी का मसला है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ तआवुन किया है, उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, और इस इंतज़ामात के अंदर जिसका जिक्र हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फरमाया है, सफाई का मामला है, चीज़ों को देखने का मामला है, उसको बेहतर अंदाज से किया जाए। मैं वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब से कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर मंडियों के मामले को तय किया जाए। जानवर मंडियों में जो आते हैं उसके पीछे एक लंबा तसलसल है, जिन लोगों ने जानवर पाले हैं, जो उन जानवरों को यहाँ मंडी में लेकर आए हैं, जो वहाँ मंडी में लोग मौजूद हैं उनसे वो टोल के नाम पर पैसे ले रहे हैं, अवाम वहाँ पर जाकर जानवर ख़रीद रहे हैं, इन तमाम का एक तसलसल है।
और मुझे अपने देहात में रहने वाले उन लोगों को जो जानवर पाल रहे हैं आज वो एक उम्मीद पर कुछ अपने लिए उम्मीद रखते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लिहाजा फौरी तौर पर मंडियों के हवाले से वाज़े फैसला होना चाहिए और उसमें उन लोगों की रियायत रखनी चाहिए जो लोग ये बड़ा जुल्म हुआ भाई। कश्मीर के साथ हमारी ये कमिटमेंट नहीं है कि हमने एक साल की सालगिरह के मौके पे तकरीरें करनी है कि जुल्म हुआ। हमें तो एक साल के अंदर वहाँ से कर्फ्यू उठवाना था, हमें तो उनका इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट ख़त्म करना था। वज़ीर आज़म जवाब दें कि इन्होंने क्या किया है। ये कश्मीर के सकूत के ज़िम्मेदार हैं, इस हकूमत की वजह से सकूत कश्मीर हुआ है जैसे सकूत मशरकी पाकिस्तान हुआ था, और ये इनका गुनाह कौम माफ़ नहीं करेगी। और मैं फिर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से भी दोहराना चाहूँगा अपनी बात कि पाकिस्तान का मफाद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद, शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन हो। पाकिस्तान किसी किस्म की सियासी झगड़ा या तनाज़ा गिलगित बल्तिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता, चूँकि वो खित्ता इस वक्त आलमी सियासत में एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। बहुत सी ताकतों की वहाँ नज़रें लगी हुई हैं, वो किसी किस्म की शोरश से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और ये वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल रिगिंग शुरू कर चुकी है। जितनी काबीना के वज़ीर लगाए गए हैं वो जानबदार हैं, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनके इंटरव्यू करके उनको सियासी किरदार अदा करने के एवज़ वहाँ पे लगाया है। हमारी हुकूमत को आखिरी तीन महीनों में उनकी जारी स्कीमों के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई ताकि हुकूमत के जो तरक्याती एजेंडा है उसको मुतासर किया जा सके और इलेक्शन को रिक किया जा सके। अगर इस हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली की कोशिश की तो ये पाकिस्तान की उस शहरग के साथ खेलेंगे जो सीपैक की भी शहरग है, और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और मुस्लिम लीग नून ने एक मरकज़ी मॉनिटरिंग सेल बना दिया है, जो वहाँ पर अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं, जो वहाँ पर सियासी रिश्वतें दी जा रही हैं, हम उन सब को मॉनिटर करेंगे, कौम के सामने पेश करेंगे, और किसी को भी वहाँ के अवाम के मैंडेट पे डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। माइनस वन सिर्फ इमरान खान के जहन में है, माइनस वन ना कभी होते हैं ना उनकी हकीकत होती है। ये जब वज़ीर आज़म परेशान होता है कि मेरी हुकूमत नहीं चल रही, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है, तो इनके भी वही कैफियत है। पहले कहा चॉइस नहीं है, अब माइनस वन आ गया है, तो ये माइनस पीटीआई ही होता मुझे नज़र आ रहा है। बल्कि मैं ये इसमें ऐड करूँगा कि अब माइनस नालायक होगा, माइनस जो करप्ट है वो होगा, और जो एक हवाई किस्म के हुक्मरान आ गए थे जिनको ना तजुर्बा था, जिन्होंने बर्बादी की है, अब इनके जाने का वक्त आ गया है, और अपनी नाकामी देखकर इनको अब डरावने ख्वाब आ रहे हैं। माइनस वन अपोजिशन ने नहीं कहा, ये खुद को माइनस करने के जो इनके कारनामे थे, इन्होंने खुद को अपने कारनामों से माइनस किया है, अपनी करप्शन से माइनस किया है, अपनी नाअहली से माइनस किया है। आप देखें सिविल एविएशन का मसला कैसे हैंडल किया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई कर दी है। एक बच्चा भी इस तरह हुकूमत नहीं चलाता, एक बच्चा भी इस तरह अपने मुल्क के मामलात नहीं देखता। इन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है बैनुल अक्वामी बरादरी के सामने। क्या ये पाकिस्तान के दोस्त हैं? कभी ये वज़ीर आज़म कहता है कि पाकिस्तान दिवालिया मुल्क है, कभी ये कहता है पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग करता है, कभी ये कहता है कि पाकिस्तान के बोगस पायलट हैं, कभी ये कहता है पाकिस्तान के सारे लीडर चोर हैं, तो फिर पाकिस्तान पे कौन इतबार करेगा? तो ये पाकिस्तान की जो बदनामी कर रहा है शख्स सिर्फ अपनी अना की खातिर, इससे ज़्यादा नुकसान तो हमारा कोई दुश्मन भी हमें नहीं पहुँचा सकता था जितना इसने अकेले ने कर दिया।
عوام آج حکومت سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اپوزیشن سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ چلے جی آپ بتائیں، یہ اسی پہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اب ان کو کرنے دیں نا، ان کو کرنے دیں، ان کو کرنے دیں۔ ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ بتائیں۔ دیکھیں، نہ حکومت بھرتی کرتی ہے نہ لائسنس جاری کرتی ہے، لائسنس سی اے جاری کرتا ہے۔ اس پر حکومت ابھی تک کلیئرٹی نہیں دے سکی، تو میں پارٹی کی طرف سے نہیں، ایک سیاستدان کے طور پہ نہیں، ایک پائلٹ کے طور پر میری کوشش ہے کہ میں سارے حقائق اکٹھے کر کے پرسوں اس کی بات کروں، کیونکہ یہ پوری ایویشن انڈسٹری کا مسئلہ ہے۔ یہ 262 نوجوانوں کے کوالیفائیڈ پائلٹ جو ہیں ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، جو پوری دنیا میں جہاز اڑا رہے ہیں، اور پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ پرسوں اس پر ذاتی حیثیت میں ایک پریس کانفرنس کر کے حقائق عوام کے سامنے رکھوں اور حل بھی دوں۔ جی دیکھیں، ووٹ ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے کتنے ممبران کھڑے ہوئے، ووٹ نکلے تو کتنے تھے۔ یہ اگر کسی نے اپنا ضمیر بیچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہاں پر ووٹ سیکرٹ ہوتا ہے، یہ کہنا کہ فلانے نے دیا نہیں دیا ممکن نہیں ہے، لیکن اس پورے عمل سے سیاستدانوں کی بدنامی ہوئی ہے، سینیٹرز کی بدنامی ہوئی ہے، اور یہ ان افراد کی ناکامی ہے جنہوں نے ووٹ بیچا ہے۔ جی، یہ 6 ہفتے کا وقت باقی تھا، ابھی تک وہ نہ میٹرو لاہور میں کھل سکا ہے، نہ یہاں پہ جو ایئرپورٹ کا روٹ تھا وہ کھل سکا ہے۔ یہ تبدیلی کا نام ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور چینی کمیشن کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے کہا کمیشن نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ چینی مہنگی کیوں ہوئی تھی، جس کے بعد احسن اقبال نے کہا جب حکومت جانے لگتی ہے تو اس طرح کی ہی باتیں کرتی ہے۔